चलिए एक और नए स्टूडेंट से मिलते हैं, अविलास सिंह, जो कि कानपुर से हैं, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 113 है और इनको एनआईटी त्रिची अलॉट हुआ है। तो सबसे पहले एनआईटी त्रिची और 113 रैंक के लिए बेटा आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, आपने जो गाइडेंस दी उसके लिए, और प्रत्येक सर को भी, सबको सर। थैंक यू बेटा अविलास। ये जो मैं सेशंस लेता हूँ, ये सेशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो बच्चे होते हैं। जैसे कोई बच्चा ड्रॉपर है तो वो ड्रॉपर इंटरव्यू को देख के कुछ चीजें सीखता है, जो फ्रेशर है वो, जैसे आपने फाइनल ईयर के साथ ये रैंक निकाली, तो फाइनल ईयर के साथ इतनी अच्छी रैंक और अपने को टॉप कॉलेज मिलना, ये एक अचीवमेंट होता है हमारी लाइफ का। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी जो लाइफ के एक्सपीरियंस हैं, जो सक्सेस जर्नी है, वो जरूर शेयर करें, जिससे जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं या जो सोचते हैं कि ऑनलाइन घर पर रह के प्रिपरेशन नहीं की जा सकती, ये सब मिथ्या हैं, है ना। या कई लोगों के मन में होता है कि नहीं नहीं जब तक हम 2 साल 2.5 साल नहीं देंगे जब तक नहीं होगा, तो ये सब चीजों से आप इम्पिटस के बच्चे तो ये करते ही हैं कमाल। तो आपका अपना क्या एक्सपीरियंस था जरूर बताइए अपनी सक्सेस जर्नी में। सर मेरा ऐसा था कि मैं जब बीसीए सेकंड ईयर में था, उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि आगे चल के एमसीए करना है, और निमसेट जो कि मेन एंट्रेंस होता ही है मतलब एमसीए के लिए, तो उसकी प्रिपरेशन करनी, ये चीज सेकंड ईयर में डिसाइड की थी, बट प्रिपरेशन थर्ड ईयर में जाके चालू थी। और एक्चुअली क्या था कि कोविड की वजह से कॉलेजेस वगैरह बंद थे, तो घर पे ही रहना था, तो काफी सारा टाइम होता है। तो उस टाइम पे मतलब ऐसा पता किया सबकी, कैसे क्या सिलेबस एंड ऑल सारी चीजें पता करी, और उस पर देखा कि हाँ कैसे क्या होता है। मोस्टली जी पोर्शन जो होता है वो मैथ का होता है, और मैथ मतलब काफी सही थी, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है फिर तो यही करना है। और उसके बाद में फिर मैंने पहले तो ऐसे खुद से थोड़ा बहुत चीजें पता करी कि कैसे क्या कर सकते हैं, बुक्स वगैरह। फिर उसके बाद में सर ऐसे ही चलता रहा चीजें। फिर मतलब पहले स्टार्टिंग में तो लाइक ऐसे रैंडमली कोई भी बुक उठा के करने लगे, कोई भी चैप्टर कहीं से भी करने लगे, बट फिर सर उसमें क्या दिक्कत होती है कि उसमें ये नहीं पता चलता ना कि मतलब सिलेबस हुआ भी है सही से कि नहीं हुआ है, कि पता लगा जो चीजें पढ़ डाली उस तरीके के क्वेश्चन आते ही नहीं है पेपर में। तो फिर उस टाइम पे मैंने सोचा कि कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं जो कि हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मॉक टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने यूट्यूब के थ्रू ही मुझे इम्पिटस का पता चला था, और यूट्यूब में भी मैं आपको बताऊं मैं बुक के लिए ही सर्च किया था कि कौन सी बुक सही रहेंगी मतलब निमसेट के लिए, तो उस पर आपकी कोई पुरानी वीडियो थी, तो वही देख के मुझको उसके थ्रू इम्पिटस का पता चला था। तो फिर मैंने ऑनलाइन जो वेबसाइट वगैरह थी वहां पे जाके एक्सप्लोर किया, और मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया था। तो मतलब एक्चुअली देखा जाए तो जो प्रॉपर प्रिपरेशन थी वो दिसंबर से ही चालू हुई थी, क्योंकि फिर एक टाइम से डीपीटीज वगैरह आने लगती हैं, टेस्ट आने लगते हैं, तो उसके हिसाब से तैयारी शुरू हो जाती है, और पता रहता है कि मतलब कौन सा टॉपिक कितने अच्छे से हुआ है। तो फिर दिसंबर से प्रिपरेशन चलती रही, और थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिल गया जो डेट एक्सटेंड हो गई थी उसकी वजह से, तो उसका भी काफी फायदा, उस टाइम पे फुल लेंथ वाले मॉक टेस्ट काफी दिए। तो बस सर यही है, फिर ऐसे करते करते एग्जाम हो गया और बस निकल गए। देखो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आपने प्लान सेकंड ईयर में किया था, फाइनल ईयर में आके आपने पहले सर्चिंग की, और एक्चुअल में आपने जो प्रिपरेशन है वो दिसंबर में स्टार्ट की, और 8 महीने पर आपने जो लग के प्रिपरेशन की। मैं हमेशा बच्चों से यही कहता हूँ, कई बच्चे बड़े ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये 8 महीने में होगा कि नहीं, 10 महीने में होगा कि नहीं। मैं बोलता हूँ जब सोचा है और जब आपने मन बना ही लिया है तो कर दो, और ये आप उसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हो कि आपने ये दिसंबर से लेके अगस्त तक, मतलब सोचिए 8 महीने, अगस्त तो स्टार्टिंग ही था, तो इतने कम समय में इतने अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। तो आपका जो सक्सेस की है वो, जब आप टेस्ट पेपर देते थे तो टेस्ट पेपर को किस ढंग से एनालाइज करते थे, कई बच्चों को ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि ये सक्सेस का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पेपर और उसका एनालिसिस। सर देखो स्टार्टिंग में जब मैंने जैसे टेस्ट वगैरह दिए थे, तो पहले जैसे स्टार्टिंग में क्या होता था कि जो फुल लेंथ वाले जैसे मॉक दिए, तो उस पर शुरुआत के 2-4 पेपर में थोड़ा टाइम कम पड़ जाता था। तो फिर उसमें जैसे मैंने जब उस पर एनालाइज किया, तो मुझको यहाँ पे ये चीज एक पता चली कि मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पे मेरा काफी टाइम चला जाता था जो मैंने मतलब अटेम्प्ट ही नहीं किए, कि कोई क्वेश्चन है उस पर बहुत लाइक 3-4 मिनट लग गए, बाद में वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं हुआ और बाद में टाइम कम पड़ गया। तो फिर मैंने उस चीज को थोड़ा चेंज किया, फिर मैंने वो जो मेंटल राउंड वाली स्ट्रेटजी होती है कि पहले मेंटल राउंड के क्वेश्चन कर डालो कि जो मतलब तुरंत हो रहे हैं, फिर राउंड 1 के करो, फिर राउंड 2 के करो, फिर उस तरीके से मैंने करना चालू किया, फिर वहां से काफी जैसे रिजल्ट इम्प्रूव हुआ। इसके बाद में एक चीज मतलब मैंने और मैं करता था कि जैसे कोई भी पेपर मैंने दिया तो उसके बाद में मैं ये देख लेता था कि कौन से क्वेश्चन उसमें नहीं हुए या जो गलत हो गए, तो उनको मैं एक बार दोबारा से फिर से अटेम्प्ट कर लेता था। तो इस तरीके से मतलब मेरा एनालिसिस चलता था कि एक टेस्ट दे लिया, उसके बाद में उसकी एनालिसिस कर ली, ऐसे करके सब चीजें होती चली गई।
बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने आप को पूरा एनालाइज किया, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं है उनको सॉल्व किया, यही सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। अच्छा, आप अपनी, आप उन बच्चों को जो फाइनल ईयर में है या सेकंड ईयर में है, उनको अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे, किन बातों का वो ध्यान रखें और अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करें कि कॉलेज भी, अब तो थोड़ा कॉलेज ओपन होगा, आपके समय नहीं थे, दोनों चीजों का मैनेजमेंट अच्छे से रख पाएं और कम से कम समय में एक अच्छा रिजल्ट दे पाएं। सर देखिए, मेरे टाइम पे तो क्योंकि कॉलेजेस बंद थे तो आने जाने वाला वो कुछ था नहीं, तो काफी टाइम बच जाता था, तो उतना मुश्किल नहीं होता था मतलब चीजों को मैनेज करना। बट अगर ऑफलाइन क्लासेस चल रही है तो थोड़ा मतलब मुश्किल हो जाता है कि फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। बट उसमें भी मेन चीज यही है कि टाइम मैनेजमेंट करना होता है। और एक चीज ये होती है कि अगर आप जैसे मान लीजिए कि 7 महीने 8 महीने भी अगर आप लेके चल रहे हो, क्योंकि लगभग होते हैं लगभग सबके पास में, तो अगर आप 7-8 महीने भी लेके चल रहे हो, तो फिर ऐसे में सर इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कंसिस्टेंसी रखो। कि अगर आप डेली 2 से 3 घंटे भी अगर आप निकाल पा रहे हो, तो वो भी अगर कंसिस्टेंटली निकलेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है कि आप अगर एक घंटा भी डेली अगर कंसिस्टेंटली निकल रहा है, तो उसमें भी हो सकता है कि रिजल्ट मिल जाए। बट मेन चीज है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर बीच में गैप हो जाते हैं तो फिर होता क्या है ना कि जो पुरानी पड़ी हुई चीजें वो भूल जाती हैं, तो फिर उसके बाद में उनको भी कवर अप करना होता है, फिर आगे का भी पढ़ना होता है। तो सर जो लोग मतलब फाइनल ईयर के साथ में कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं यही बोलूंगा कि आप पहले तो ये देख लो कि कितना टाइम आप निकाल सकते हो डेली बेसिस पे, और जो टाइम आप डेली बेसिस पे निकाल सकते हो, बस ये कोशिश करो कि उसमें आप कंसिस्टेंट रहो, कि वो चीज मतलब आपसे ना छूटे, कि उसमें आप गैप्स ना दो, और लास्ट के 1-2 महीने में हो सके तो मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो, क्योंकि आप जितना मॉक टेस्ट देते हो उतना ही आपका एक एग्जाम कैसे देना है वो चीज भी आप टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल हर चीज समझते हो, प्लस प्रेशर भी बहुत कम हो जाता है उसकी वजह से। तो वो एक चीज मैं बस बोलूंगा। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, भले 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो हर बच्चे को भले ही वो कॉलेज जाता है, पर कोई ऐसा नहीं है जो कॉलेज के लिए 24 घंटे पढ़ता है और ना कोई एमसीए के लिए। तो बस वो एक टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर कर ले कि मुझे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना भी उसके पास मैक्सिमम टाइम है वो अगर देता रहे, तो बिल्कुल उम्मीद है कि वो अच्छी रैंक ला सकता। चलो बहुत मजा आया अभिलाष आपसे बात करके। अब आप एनआईटी त्रिची में भी ऐसी अच्छा परफॉर्म करो। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू।